वेलकम टू माय चैनल नेम स्टेल। नाम है मधुरा। मधुरा की फुल राशि क्या होती है, मधुरा का अर्थ क्या होता है, फुल डिटेल आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मधुरा नाम के बारे में। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, हो सके तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मधुरा, मधुरा का फुल मीनिंग होता है एक परिंदा, यानी एक परिंदे का नाम होता है मधुरा। मधुरा नाम वाली महिलाओं के जो नंबर्स होते हैं इनके लिए बहुत ही शुभ और अच्छे समझ जाते हैं। नेमोलॉजी नंबर 2 होता है, जी हाँ, मधुरा के लिए। और मधुरा का जो मजहब होता है वो होता है हिंदू, हिंदू धर्म से यह नाम तल रखता है। मधुरा के जो लकी नंबर्स होते हैं इनके लिए बहुत ही शुभ और अच्छे समझे जाते हैं, वो होता है 1 होता है, 4 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9 होता है। जी हाँ, ये इनके लिए बहुत ही शुभ और अच्छे समझे जाते हैं मधुरा की। मधुरा की जो राशि होती है वो होती है सीमा और सिन्हा, इनकी राशि होती है, इनका जोड़ी साइन लियो होता है। जी हाँ, और जो मधुरा के बेहतरीन वक्त और शुभ वक्त होते हैं इनके लिए बहुत ही शुभ और अच्छे समझ जाते हैं, अच्छे समझ जाने वाले वक्त होते हैं, वो होते हैं 3 PM 5 PM, इनके लिए मधुरा नाम के लिए बहुत ही शुभ और अच्छे से समझ जाते हैं। अब जान लेते हैं कि इनके जो शुभ दिन होते हैं वो कौन से होते हैं। वो 3 डेज होते हैं, वो होते हैं संडे होता है, इतवार, मंगल, जुमेरा, इनके लिए बहुत ही शुभ होते हैं मधुरा नाम वाली महिलाओं की। आइए जानते हैं मधुरा नाम की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी मधुरा नाम वाली महिलाएं कैसी होती हैं। इस नाम वाली महिलाएं बहुत ही अच्छी होती हैं, सुंदर होती हैं, आप चीजें बनना चाहती हैं और हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पसंद करती हैं। आपके अंदर अजीबोगरीब कशिश होती है जो दूसरों को आपकी तरफ मायल करने में हर मुमकिन कोशिश करती है। मधुरा नाम की जो शुभ धातें होती हैं जिनको मेटल्स बहुत ही इनके लिए बहुत ही शुभ होती हैं, वो होती हैं तांबा। और इनके जो शुभ कलर्स होते हैं इनके लिए बहुत ही लकी कलर्स होते हैं, वो होते हैं सुनहरी, नारंगी और सुरख, इनके लिए बहुत ही शुभ समझ जाते हैं। जो इनकी स्टोन्स होती हैं वो होती हैं सबस कीमती पत्थर। तो अगर आपने नेम स्टेल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए।